रुबीना दिलैक दोस्तों न सिर्फ अभी से बल्कि डे वन से ही जैस्मिन के प्रति एक सहानुभूति रखती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और यही बात का डिस्कशन लाइव फुटेज में वो करते हुए नजर आती हैं दोस्तों एली गोनी के साथ। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक ट्विटर इंस्टा हर जगह पर मौजूद हूं तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों रुबीना दिलैक की। क्या है, गार्डन एरिया है जहां पर बीन बैग रखे रहते हैं, सामने जो सोफा रहता है, सोफे पे रुबीना दिलैक बैठी हुई है, अर्शी सामने बैठी हुई है उसके, और यहाँ पर बीन बैग पे एली गोनी लेटा हुआ है और देगो बैठी हुई है। यहाँ पर रुबीना दिलैक दोस्तों वो एक मोमेंट को लाती हैं जब जैस्मिन वसीम पहली बार घर में रोई थी। इस पर रुबीना का कहना था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पर रोऊं या हंसूं। जैस्मिन की ऐसी क्या हरकत थी मैं बताता हूँ। क्या हुआ कि जैस्मिन अपने कपड़े वपड़े धोकर जो है सुखा रही थी, अपने अंडरगार्मेंट्स को सुखा रही थी और इतने में ही निशांत वहां पर आ गया और उसने उसे सुखाते हुए देख लिया, जिस पर जैस्मिन जो है वो रो पड़ी और जैस्मिन सहम पड़ी और फिर उसके बाद उसने रुबीना दिलैक को जाकर ये बात बोली और रुबीना दिलैक को बोला कि मैं अपने अंडरगार्मेंट सुखा रही थी तो इतने में ही निशांत आ गया वहां पर और उसने मुझे देख लिया। इस पर दोस्तों रुबीना अभी तो बहुत तेज तेज हंस रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या मैं इस पर रोऊं या फिर मैं इस पर हंसूं, कैसे मैं इस पर रिएक्शन दूं। फिर उसके बाद वो न्यूट्रल ही रही। यहाँ पर दोस्तों एली गोनी भी हंसने लग जाता है, देवलीना भी हंसने लग जाती है, अर्शी खान भी हंसने लग जाती है, कहती है हाँ हाँ हमने देखा करके। और ये वो बात है दोस्तों जब जैस्मिन अपने कपड़े धोते धोते रो पड़ी थी ना, और उस दौरान फिर एक्चुअली हमें वो एडिटेड पोर्शन दिखाया था, हमें ये दिखाया गया कि जैस्मिन कपड़े धोते धोते रो पड़ी है कि कितना टफ होता है, लेकिन असल में ये हुआ था दोस्तों उसके पीछे जो माजरा था उसकी कहानी थी कि निशांत ने जैस्मिन को देख लिया था अंडरवेयर सुखाते हुए, इस वजह से वो रो पड़ी थी। सो दोस्तों आपको क्या है कहना, आपका क्या रिएक्शन आएगा, क्या आप हंसेंगे या रोएंगे, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज़।